अरुण जयंती की आपको सबको बहुत बहुत बधाई। अरुण वंश एक ऐसा वंश है जो कि हजारों सालों के इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है, और न जाने कितने ही उतार चढ़ाव से गुजरकर अपनी एक अविस्मरणीय पहचान बनाने में सक्षम रहा है। और अरुणवंशी अपने आप को त्रेता युग में हुए महाराज श्री अरुण जी के वंशज मानते हैं। भविष्य पुराण के अध्याय 15 के अनुसार नागवंशोधवा दिव्या क्षत्रियां रूपम मुदाहता ब्रह्मा वंशोद्भव श्राव चान्य तथा अरुट वंश संभव, अर्थात नागवंश में होने वाले अब ब्रह्म वंश में होने वाले तथा अरुट वंश अरोड़ वंश में होने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय कहलाए। अरोड़ वंश समाज को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन सभी मान्यताएं इसको आर्य क्षत्रिय होने और इसका संबंध अरोड़ राज्य से होने की पुष्टि करती हैं। ये माना जाता है कि अरोड़ा अरोड़ के और खत्री लाहौर के क्षत्रिय हैं, जहाँ से श्री रामचंद्र जी के वंशजों का संबंध रहा। सिख इतिहासकार लेखक ठाकुर देसराज के अनुसार रामचंद्र जी के दोनों पुत्रों लव और कुश ने लाहौर और कसूर के नगर बसाए। कई पीढ़ियों के बाद लव वंश में काला राव और कुश वंश में कालकेतु हुए। कालकेतु ने लव वंश के काला राव को देश से निकाल दिया। काला राव ने सनोड़ की राजकुमारी से शादी कर ली और उनकी संतान सोड़ी कहलाने लगी। सोड़ी राव की पांचवी पीढ़ी के विजय राव ने पूर्वजों का बदला लेने के लिए कालकेतु के वंशज धीर राय को हरा दिया। धीर राय ने अवध जाकर जमींदारी बना ली और उनकी संतान वहां ठाकुर कहलाने लगी। उनके वंशज महात्मा अमृत राय काशी में जाकर वेद पढ़ाने लगे, इसलिए वो वेदी कहलाए। अरोड़ वंश जाति की उत्पत्ति जैसा कि भविष्य पुराण में लिखा है कि महाराज परशुराम जी के समय से आरंभ हुई। त्रेता युग में श्री परशुराम जी ने किसी कारणवश क्रोधित होकर ब्रह्म तत्व के विरुद्ध क्षत्रियों को की भांति फरसा उठाकर अधर्मी क्षत्रियों का नाश करने का संकल्प लिया और जगह जगह क्षत्रियों का वध करने लगे। उस समय परशुराम जी को शस्त्रधारी शूरवीर मिला जो शस्त्रों से सुशोभित था। इस तेजस्वी एवं वीर शस्त्रधारी महाराज अरुण जी ने परशुराम जी को सादर नमस्कार किया। उनको देखकर परशुराम जी ने पूछा, हे शस्त्रधारी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तब उन्होंने उत्तर दिया, मैं क्षत्रिय हूँ और अपने क्षत्रिय कौशल से हर प्रकार से पूर्ण हूँ। मैं अपनी धर्म मर्यादा के अनुसार गौ और ब्राह्मण का सत्कार करने वाला हूँ। अरुण मेरा नाम है। उत्तर से प्रसन्न होकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, हे शस्त्रधारी अरोट तुम सिंधु नदी के किनारे जाकर अपना राज्य स्थापित करो। अरुट जी ने अपने कुटुंबियों के साथ ले जाकर सिंधु नदी के किनारे एक किला बनाया जिसका नाम अरुट कोट रखा, जिसे अरोड़ कोट कहा जाने लगा और उनके वंशज और साथी अरोड़ा कहलाए। महाराज अरुट जी के वंश की कई पीढ़ियों तक न्यायपूर्ण राज्य किया और वो राज्य बहुत ही खुशहाली से पूर्ण था। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर को भी अरुण महाराज के सूर्यवंशी अरोड़ वंशियों से लड़ना पड़ा था। यूनानी इतिहास प्लाइनी ने अरोड़ों को अरोटूरी कहा है, जो कि भाषा का अपभ्रंश है। अरोड़ कोट सभी प्रकार के व्यापार की मंडी थी। यहीं से भारत द्वारा दूसरे देशों से व्यापार होता था। अरब देश के लेखक हुए हैं अली कॉफी और मोहम्मद मासूम, उन्होंने ग्रंथ लिखे फतेह सिंध और तारीख सिंध में इस राजधानी की प्रशंसा की है। ये इस्लामाबाद से 263 किलोमीटर दूर है। अरोड़ वंश समाज में कई वर्ग उपजातियां अल्ले पाए जाते हैं जिनकी पहचान अलग अलग है। उत्तराधि वर्ग में ननिहाल पक्ष से लड़की को हाथी दांत का चूड़ा पहनाया जाता है और उस पर लाल रंग चढ़ाया जाता है। दखना वर्ग में लड़की को सफ़ेद चूड़ा पहनाया जाता है। अरोड़ वंशियों और खत्रियों की कई उपजातियां हैं जिनसे लगता है कि उनके बुजुर्ग एक ही थे जिनके नाम पर उपजातियां स्थापित हुईं, इसलिए अरोड़ा खत्री में कोई भी भेद नहीं है।
प्राचीन काल में आर्य जाति 8 गोत्रों में ऋषियों के नाम से बटी हुई थी। अतः अरोड़वंशी अपने आप को कश्यप गोत्र का मानते हैं। अरोड़वंश के बहुत महान शख्सियतें हुई हैं, जिनमें वरुण देव, दरिया देव जिसको झूलेलाल भी कहते हैं, अमरलाल जी भी कहते हैं, सूफी संत डाडा पामा राम, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना, महान क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जैसे महान शख्सियतें हुई हैं। हम मेहनती हैं और आज़ादी के बाद खाली हाथ आकर भी कभी अरोड़वंश ने भीख नहीं मांगी। चाहे वो छोटे से छोटा काम करता है, चाहे वो रेड़ी लगाए, चाहे वो छोटा सा काम सड़क पर बैठ के करे, पर वो भीख नहीं मांगता है। अरोड़ों में बहुत गुण हैं आज, लेकिन ज़रूरत है कि अपनी राजनीति को सामाजिक पहचान भी बनाएं। राजनीति में हम बहुत पिछड़े हुए हैं और हम लोग सामाजिक रूप से बहुत आगे हैं, एडवांस्ड हैं, लेकिन हम उसका पूरा फ़ायदा राजनीति में नहीं ले पाते। इसलिए ज़रूरी है कि अरोड़वंशी राजनीति में भी आगे आएं, ताकि अपनी एक और अलग पहचान बना सकें, बेटियों को खूब पढ़ाएं और उनको अच्छे संस्कार दें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे अरोड़वंश में बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं, इसलिए लड़कियों को अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्य भी समझें। मृत्यु बोझ बंद होना चाहिए। केवल बाहर के लोग जो रिश्तेदार आए हैं वो खाना खाएं, लेकिन लोकल यदि ये संकल्प ले लें कि मृत्यु पर भोजन नहीं करेंगे, हर अरोड़वंशी समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दें। ये नहीं कि हम उनकी टांग खींचें, लेकिन हर एक को आगे समाज में आने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद आगे आना पड़ता है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अरुण महाराज जी।